सिम्बा। हेलो फ्रेंड्स, मनी मैची वन सेकेंड विद यू। आज आपके सामने सिम्बा जो अपकमिंग मूवी है रोहित शेट्टी की, उसका जो ऑफिशियल ट्रेलर है यूट्यूब पे लॉन्च किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट चैनल पे। और ये ट्रेलर देखने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत टाइम बाद मैं अपने चैनल पे वापसी कर रहा हूँ। एक लंबा ब्रेक हो गया है, काफ़ी लोग मुझे लिख रहे थे और आज थोड़ा मुझे टाइम मिला तो सोचा कि चलो आज से शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि सिम्बा मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर जो है यूट्यूब पे लॉन्च किया गया है। बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लीक्स आए थे और बताया गया था कि ये जो मूवी है जूनियर एनटीआर द एनर्जी बूस्टर जिनको मैं बोलता हूँ, उनकी मूवी थी टेम्पर, उस मूवी की ये रीमेक होने वाली है। लेकिन ये जो वीडियो है जो रिलायंस एंटरटेनमेंट चैनल पर इसे लॉन्च किया गया और डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ यहाँ पर मैंशन की गई है कि ये जो मूवी है शिवगढ़ सिंघम जिसमें अजय देवगन थे, वहाँ से ये मूवी की शुरुआत की गई है। मतलब आप इसे बोलिए कि ये सिंघम मूवी की सीक्वल है। तो चलिए पहले देखते हैं किस तरह का ये मूवी ट्रेलर, पहले देखते हैं फिर बात करेंगे। सो हियर वी गो। रिलायंस एंटरटेनमेंट थर्मा प्रोडक्शन, अजय देवगन। पुलिस वाला बनता था, किधर पे भी थे पर सर पे थे। शिवगढ़ कुछ और ही था। सिम्बा आ रहा, रणवीर सिंह। और पैसे के लिए सारा अली खान, सैफ अली खान की ये बेटी है। बहुत बड़ा कमीना है तू भाऊ। जे मला माहित नाही ते सांगा, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। भाई पुलिस वाला बना पैसा कमाने को, रॉबिन हुड बन के दूसरे का मदद करने के लिए नहीं। रॉबिन हुड, ओ सलमान खान की बात हो रही है यहाँ पे। दबंग दबंग। बड़ी बहन मारता था मुझे। मैं आपकी बड़ी बहन तो नहीं हो सकती सर, छोटी बहन ही सर। कुछ नहीं बोला मेरे भाइयों को, तीन कुत्ते बांध के रखे मैंने, उनको पेडिग्री देता है और चौथा कुत्ता तू नोट देता है। हेलो राव, तुम्हें कभी किसी का एनकाउंटर करना हो ना तो तुम मुझसे टिप ले। उन रेपिस को मार देना चाहिए, उन्हें जान से मार देना चाहिए। नहीं सच बोलो सर, जब तक ये रेपिस लोग को अपन पुलिस लोग ठोकते नहीं ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा सर। 28 दिसंबर को सिम्बा। सिम्बा रोहित शेट्टी फिल्म। अच्छा जी, इसको आप बिल्कुल बोल दीजिए कि ये सिंघम मूवी की सीरीज के अंदर ये मूवी है सिम्बा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अजय देवगन की जो गद्दी थी, जो उनकी सिंघम सीरीज़ थी, अब उसका नाम बदल के सिम्बा कर दिया गया है। रणवीर सिंह को उनकी गद्दी दे दी गई है कि आपने अब ये रोल निभाना है। और यहाँ पे अजय देवगन को ऐसा दिखाया गया है कि शायद ये सीनियर पुलिस ऑफिसर होते हैं और ये सिम्बा रणवीर सिंह की हेल्प के लिए आते हैं। कैमियो इनका रोल है, स्टार्टिंग में भी देखने को मिले कुछ सीन सिंघम मूवी के। और ये जो मूवी है बिल्कुल जैसे रोहित शेट्टी ने सिंघम मूवी की सीरीज़ बनाई है वैसे ही देखने को यहाँ पर लग रही है। एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है
और बहुत ही करप्ट है और उसको सिर्फ पैसे से मतलब है और काफ़ी घूस लेते हैं। और उसके बाद एक इंसिडेंट होता है और उसके बाद किस तरह से उनके कैरेक्टर में बदलाव आता है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक्शन सीन भी काफ़ी सारे हैं और इस मूवी को बिल्कुल रोहित शेट्टी के अंदाज में बनाया गया है। कई सारे कार क्रैश वाले सीन यहाँ पे देखने को मिले हैं, वो तो ट्रेडमार्क है रोहित शेट्टी की मूवी का। और जिस तरह से स्टोरी हम लोगों के सामने रखी गई है, जूनियर एंटिया जो है ये कैरेक्टर पहले निभा चुके हैं, टेम्पर मूवी में हमें देखने को मिले थे। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझे बताया कि रणवीर सिंह का जो रोल है काफ़ी हद तक यहाँ पे अलग करने की कोशिश की गई है, जो टेम्पर मूवी में जूनियर एनटीआर का था अब वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे उनकी मूछें रखी गई हैं और जैसे कि पूरी मूवी का जो सेटअप है महाराष्ट्र के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी फ़र्क है टेम्पर मूवी में और यहाँ पे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। अब ये जो मूवी है 28 दिसंबर को हमको देखने को मिलेगी। सीधी सीधी टक्कर जो है वो जीरो और KGF के साथ है, दोनों ही बहुत बड़ी मूवी हैं और बीच में सिम्बा। और छुट्टियों के दिन हैं, क्रिसमस की छुट्टियां होंगी तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं हम लोगों के पास, तो देखते हैं कि किसको क्या मूवी पसंद आने वाली है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हम लोगों के पास क्रिसमस वीक के अंदर की कौन सी मूवी देखी जाए। सो मुझे एक ये बताया गया था कि सिम्बा मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर जो है यूट्यूब पर लॉन्च किया गया है, थोड़ा सा लेट हो गया बट फाइनली आप लोगों के सामने रखा है। एक फिर से मैंने कोशिश करी है कि मैं रेगुलरली अब जो वीडियो है आप लोगों के सामने रखूँ, एक लंबा ब्रेक हो गया है। काफ़ी लोगों के सजेशन हैं, वो भी मेरे पास पूरी लिस्ट तैयार है, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है, आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं मैं पढ़ता हूं और उसमें जो मुझे सजेशन देते हैं उनको मैं नोट कर लेता हूं कि जब भी मैं शुरू करूं तो धीरे धीरे आपके जो सजेशन है उनको भी मैं चूज करता रहूं और वो भी आप लोगों के सामने रखूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका आज के मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक ज्यादा डिसलाइक कम, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अपकमिंग मूवी के टीजर और ट्रेलर, कुछ पुरानी मूवी के ट्रेलर, कुछ मूवी सॉन्ग, कुछ एक्शन सीन मेरे साथ देखने के लिए। थैंक यू, सी यू।